हम कुछ वैसा कैलकुलेशन, कुछ ऐसा कैलकुलेशन जिसको सीधे एक्सेल में करने में बहुत दिक्कत होती है, ठीक है, उसके लिए हम एरे फंक्शन यूज करते हैं। जैसे है ना, एरे एन एरे इज एक्सेल कलेक्शन ऑफ आइटम। हम एक वैल्यू होता है, जब बहुत सारे वैल्यू हो जाता है तो कलेक्शन हो जाता है, तो एरे होता है। एन आइटम कैन बी टेक्स्ट और नंबर, या तो होगा नंबर होगा या टेक्स्ट होगा, और दोनों में से कुछ भी हो सकता है, रो में हो सकता है, कॉलम में हो सकता है, रो कॉलम दोनों में हो सकता है। व्हाई यूज एरे फार्मूला एक्सेल? एक्सेल एरे फार्मूला आर द हैडिएस्ट टूल टू परफॉर्म सोफिस्टिकेटेड कैलकुलेशन एंड डू कॉम्प्लेक्स टास्क। कुछ ऐसा काम जिसको हमको एक्सेल में करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगते हैं, एरे कैसे हम बहुत जल्दी और कम टाइम में कर लेते हैं। एन एरे फार्मूला परफॉर्म मल्टीपल कैलकुलेशन वन और मोर सेट्स ऑफ वैल्यू। बहुत सारे वैल्यू पर एक साथ मल्टीपल कैलकुलेशन कर लेते हैं, जो हम सिंपल एक्सेल में करने में बहुत दिक्कत होती है। इस टाइप से ये है, एक बार इसको पढ़ लेना। अब हम कुछ एग्जाम्पल बता रहा हूँ। जैसे टीआईवी का किस में आता है? जैसे मान लो इस टाइप की वैल्यू है, अब हम इसको अगर सम करेंगे, सम नहीं हो जाएगा, तो इसको सम कैसे होगा? ये नहीं हो पाएगा ना सर, नहीं। लेकिन अगर हम लिखते हैं यहाँ पर इफ एरर ये है तो जीरो। अब हो गया, तो इतना जो कैलकुलेशन है इसको हमको एक फॉर्मूला में डालना है। तो यहाँ पे करेंगे हम इफ एरर, पहले तो एक ही भी लेते थे ना, अब लेंगे मल्टीपल। अगर ये एरर है तो जीरो। अब इसको अगर चेक करोगे और F9 प्रेस करोगे ना, तो ऐसा देगा। जहाँ जहाँ एरर किया, एरर की था ना एरर, उसको जीरो ले लिया। अब जो वैल्यू आएगा उसको हम कर देंगे सम, जो हमने लगाया था फार्मूला उससे पहले हम लग लो लगा देंगे सम। और ये ऐसे कैलकुलेशन नहीं करेगा, इसको F2 करके कंट्रोल शिफ्ट इंटर करना पड़ेगा। क्लियर हो गया क्या? बोलो बोलो। अब जैसे फरवरी का हो गया, मैं चाहता हूं जानना कि इस फरवरी में किसने शुक्रवार है। ये तो मैंने ऐसे लिखा है, लेकिन मैं लिख चाहता हूं कि अभी जो है फरवरी, इसमें कितने शुक्रवार है, तो कैसे पता करूं? मतलब 1 फरवरी से लेकर 29 फरवरी तक कितने शुक्रवार है, तो कैसे कर है? यहाँ पे तो उसको किधर निकालोगे? यहाँ पे, यहाँ पे। और अगर मैंने यहाँ दे दिया 2025, 1 फरवरी 2020 से 29 फरवरी,
28 फरवरी 2025 तक, तो यहाँ पे करेंगे टेक्स्ट, इसको आगे ये हो गया सर, ये बार ये हो गया फ्राइडे, तो ये तो निकल गया, तो कैसे आएगा, क्या क्या करोगे? पूरा सेलेक्ट कीजिए ये वाला, ये जो रेंज है ये, तो ये तो रेंज अभी 28 तक है, और अगर मैं ये तो 2000 मैंने 25 तक दे दिया, तब तो कैसे निकलेगा? इफ एरर, अभी एरर आ रहा है, आपने कुछ किया है, तो इफ एरर कहाँ काम करेगा? जहाँ पे एरर शो करेगा, जहाँ एरर नहीं आ रहा है वहाँ पे डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो अभी मैं फिलहाल इसी के बोल रहा हूँ कि 1 फरवरी से लेकर 29 फरवरी के बीच में कितने शुक्रवार है, तो क्या रहा दिमाग में, क्या रहा, कैसे करेंगे? देखो एक तो ये तो निकालना ही पड़ेगा, जैसे 1 फरवरी से लेके, ऐसा किया ना, और यहाँ पे काउंटी इसमें और कर दिया, तो 4 है, लेकिन ये हमारा परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, ये तो इस महीना के तक कर लिया आपने, और ये 8 साल का आ जाएगा, तब मैं तो बताऊंगा ही, तो इसीलिए एक काम एरर करते, एरर एरर फार्मूला, मैंने यहाँ पे लिया 2 डेट, ये तो पता है कि डेट भी हमारा होता है नंबर, होता है नंबर, तो अब मैंने क्या किया, इसको और इसको जोड़ दिया, यहाँ दिया जोड़, और इससे पहले लगा दिया रोज, रोज ऐसे नहीं लेगा, रो कैसे लगेगा, यहाँ पे लगेगा इनडायरेक्ट, आधा जाए इनडायरेक्ट लिया, अगर अब इसको ऐसे करके F9 प्रेस करोगे तो ऐसे आ रहा, आ गया है ना, अब इसे पहले लगाओगे टेक्स्ट, और यहाँ पे करोगे किया, अब सटर्डे, अब लगाओगे इफ, अगर ये फ्राइडे है तो 1, नहीं तो 0, अब ये आउटपुट ऐसे आ रहा, अब इससे पहले लगाओगे सम, और यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट एंटर, चार फ्राइडे, अगर कुछ और चेक करना है तो देखो, पांच किसी में है, देखो ये ना जून में नहीं, सब में 4 ही है, सटर्डे है नहीं, 4 ही है, ये अगस्त में 5 सटर्डे है, हाँ मैंने दिया 1 अगस्त 20 31 अगस्त, ये है ना फ्राइडे, अगर मैंने इसको 2025 कर दिया तो 1 अगस्त 2020 से लेकर 31 अगस्त 2025 तक 266 सैटरडे, रो क्यों ले
रो क्यों लगाए? देखो अब इसको हम कैसे तोड़ेंगे, कैसे बनाएंगे, हमारे पास कुछ ऐसा तो है नहीं, हमारे पास कुछ ऐसा निकालने को है नहीं, लेकिन ये डेट पर कैलकुलेशन करेगा तो डेट भी तो एक नंबर है ना है? तो अब हमें अगर हमें इस टाइप से नंबर बनाने होगा ना, जब यहाँ पे लगाओगे टेक्स्ट तो इस टाइप से आंसर करेगा करेगा ना, तो ये भी तो एक है इससे निकला, लेकिन हमें पता नहीं है कि कहाँ से कहाँ तक लाओ लेके जाऊँगा, तो नंबर डेट आ गया इस इसमें, तो अगर रो के क्लियर है, अगर आपने ऐसे लिख दिया रो 5 कॉलम 5, देखो 5 का पूरा लेयर है ना, लेयर है ना 5 का, तो उसी से अगर मैंने 5,15 कर दिया थे आ गया, तो आ गया पहला पांचवा ऐसे आ रहा, पांचवा छठा सातवा आठवा नौवा दस, तो वो नंबर जो है ये 43,862 ये यहाँ से लेके उठा रहा, तो हम तो इसका भी तो एक होगा ही कुछ नंबर, तो वो नंबर उठा के और फिर मैंने यहाँ जो जोड़ा इसलिए क्योंकि यहाँ से स्टार्ट हो यहाँ से खत्म हो, और ये एड्रेस बन गया था बिना इनडायरेक्ट के चलेगा नहीं, एक और क्वेश्चन था स्टार्टिंग में था, अब जैसे यहाँ मैंने लिखा ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि इस सब का सम इसमें आ जाएगा, 1, 3, 4, 8, 12, 5, 17, 1, 2, 3, 5, 8, 8, 7, 15, 8, 3, 11, 12, 8, 20, और ये कम ज़्यादा भी हो सकता है, तो इसका कैसे बनेगा? ये 17 निकालने के लिए अगर एरो को छोड़ देते हो तो कैसे बनाओगे? इसको हमको चार्ट, इसको हम चार्ट टुकड़ा में करना पड़ेगा, करना पड़ेगा ना, तो जो लेंथ निकाल के एक एक करके करना वही हम उसमें डालेंगे, इसके होगा 4 टुकड़े, इसके होंगे 3, इसके 2, ऐसे ही होगा ना, लेकिन कितने टुकड़े होंगे ये कैसे डिसाइड कर रहा है? लेंथ से करेगा डिसाइड, तो आप यहाँ पे लिखोगे लेंथ के लिए, अब 4 मैक्सिमम होगा, लेकिन स्टार्ट कहाँ से होगा? 1 से, तो यहाँ पे लिखोगे 1 एंड ऐसे होगा, इससे मुझे 1, 2, 3, 4, 5 निकालना है, तो फिर यहाँ पे हमें
इनडायरेक्ट लगाना पड़ेगा क्योंकि एड्रेस वो रिटर्न नहीं करेगा, और इससे पहले हम लगाएंगे रो। अब इसको जाके करोगे, नहीं अभी एफ नाइन किया तो पता लग गया 1 2 3 4 5 आ रहा, अब 1 2 3 आ गया। अब इसमें से अलग अलग निकाल, अगर हमारे पास 1 2 3 4 मिल जाए तो इसमें से कैसे निकालोगे प्रवीण, 1 कैसे निकालोगे, 3 कैसे निकालोगे, 8 कैसे निकालोगे, 5 कैसे निकालोगे? लेफ्ट से निकलेगा, मिड से निकलेगा। यहाँ के भाई क्या प्रवीण यार, सब में लेफ्ट राइट सोचते हो, यहाँ पे एक एक के लिए आएगा लेफ्ट आएगा, और 3 कैसे आएगा? हाँ तो फिर ये, तो फिर पहले लगाओगे लेफ्ट फिर मिड, कैसे काम करेगा? तो यहाँ पे लगाओगे मिड इसमें और कोमा, और यहाँ से यहाँ तक जो कैलकुलेशन है इसका आंसर क्या रहा? 1 2 3 4 तो मंडा पहला दूसरा तीसरा चौथा, और परवीन बताओ यहाँ पे मैं कितना लिखूँ? एक लिखेंगे इसमें, एक से पहला, दो से पहला, सॉरी एक से एक, दो से एक, तीन से एक, चार से एक वैल्यू उठाना है। अब इसको करोगे तो आ गया, अब ये नंबर आ गया, अब क्या करेंगे हम? सम, और इसके बाद नहीं आया। अब यहां जाके चेक करो इसको, आ रहा है? आ गया लेकिन सम नहीं कर रहा, क्यों? फिर से देखो एक बार, इसको गौर से देखो, देखो टेक्स्ट है, क्योंकि राइट लेफ्ट मिड सब्स्टिट्यूट ये सब जब जब टेक्स्ट का फॉर्मूला लगाओगे और जो भी वैल्यू एक्सट्रैक्ट करोगे निकालोगे वो क्या हो जाता है? टेक्स्ट। तो हम क्या करना पड़ेगा इसको, या तो जीरो करो या इससे पहले निकाल दो वैल्यू। लेकिन इसमें आपको डिसाइड पर करना पड़ेगा कि मिड लगेगा कि राइट लगेगा, कि सब्स्टिट्यूट इसमें फिक्स नहीं है, इसमें कुछ भी फिक्स नहीं है, जैसे आपका क्यूरी आएगा वैसे आपका। हाँ और देख रहे हो ये कैलकुलेशन कितना है, टफ है, लेकिन ये आसानी से कर रहा है ना। अब इसमें से अगर अब देखो, इसमें से अब ये वैल्यू है ना, अब इस तीनों वैल्यू में से, इस तीनों वैल्यू में से तीन लार्जेस्ट वैल्यू को सम करना है। तो अगर ऐसे देखोगे तो ऐसे निकालोगे, लार्ज वन, लार्ज टू, लार्ज तीन होना चाहिए 63, लेकिन इसमें कैसे करेंगे? और एक चीज है, एरे में एक होता है एरे डिस्ट्रीब्यूशन और एक होता है कैलकुलेशन। हम अभी कर रहे थे वो कैलकुलेशन कर रहे थे। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब जैसे यहाँ लिख दिया ना ऐसे 1 2 3 4 और मैंने बंद कर दिया, और यहाँ पे लिया
और F2 करके मारा इंटर, आ गया। लेकिन यहाँ पे एरर आया, क्यों? क्योंकि हमने 4 ही दिया था। अगर कॉलम में है तो लगना पड़ेगा कोमा, और अगर रो में चाहिए तो आपको लगाना पड़ेगा बंद किया। सब में एक दे दिया, एक दे दिया सब में। लेकिन अब ऐसे करोगे, ठीक है, हो गया दोनों के क्लियर? अगर वाले में कोमा दिए, हाँ, कॉलम के लिए कॉलम कोमा और रो के लिए, रो के लिए सेमी कॉलम है और कॉलम के लिए कोमा। और अगर मैं लिखूं इसका मतलब क्या है, अब ऐसे मैंने किया, हो गया क्लियर? तो अभी हम बात कर रहे थे, हाँ, 3 लार्ज वैल्यू का, 3 लार्ज वैल्यू। तो हम लिखेंगे यहाँ पे लार्ज, इसको लेंगे कोमा, यहाँ पे दे देंगे 1 2 3, इसको बंद करेंगे और यहाँ पे जाके F9 करके चेक करते हैं। सिर्फ F9 31 17 15 वही है, इससे पहले सम लगा देंगे और यहाँ पे आ गया क्या? अभी आ गया, अभी बिना कंट्रोल शिफ्ट इंटर से आ गया, क्योंकि मैंने पहले कर्ली ब्रैकेट लगा रखा। हाँ, ये जो है ना 1 2 3, इससे दे दे दे, दे, दे। फॉर्मूला मस्त है ये, अच्छे अच्छे कैलकुलेशन कर देता है, जहाँ पे आपको टफ होता है ना उसको भी कैलकुलेशन कर देता है। इसमें कुछ होमवर्क है, कुछ बनाए हुए हैं आप, जैसे ये राकेश गुप्ता है, इससे निकालना है। किसे निकाले हुए? फर्स्ट नेम लास्ट नेम, लेकिन फर्स्ट नेम लास्ट नेम के किस बेस पर कर रहा है, छांट रहा है? ये कैपिटल है, और कैपिटल फाइंड करने के हमारे पास कुछ फंक्शन है, अपर कैपिटल में कन्वर्ट करता है, कैपिटल फाइंड करने का कुछ नहीं है। एक ये है, ये है, ये सब में जिप कोड है, पिन कोड। अब पिन कोड निकालना है, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला आता है दिमाग में? यहाँ पे तो लेफ्ट राइट से 6 हो जाएगा, यहाँ पे राइट से 6 हो जाएगा, और यहाँ पे देखो अगर 10 20 है तब तब टाइप कर दोगे, लेकिन 1000 2000 आ गया तब। इसमें क्या करना है,
कि यहां से लेकर यहां तक सब में छे छे के बनाना है टुकड़े। छे छे के टुकड़े बनाना है, तो यहां पर भी लिखोगे वन कॉलम ए एंड लेन। अब ये हो गया 1 से 65, फिर यहाँ पे लिखोगे रो और इनडायरेक्ट। ये तो क्यों लिखते हैं पता क्या चल गया। अब यहाँ पे लिखोगे मिड, मिड ए टू में इतने से लेकर 6 टुकड़े करना है, 6 पीस का टुकड़ा करना है, ठीक है। अब इसको अगर देखोगे तो ऐसे हो रहा और रचे के। अब इस सब को 0 से गुना कर दोगे तो टेक्स्ट हो जाएगा, वो क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा। जो राम मोहन श्याम रहेगा वो, अब ये ऐसे बन गया, लेकिन जो नंबर है देख रहे हो ऐसे आ गया। अब इसमें से इस नंबर को निकालने के लिए क्या लगाओगे, अगर ऐसे आ गया प्रवीण अभी तक क्या क्यों समझ में आ गया। देखो हमारा पिन कोड है तो 6 के तो होगा ही, 6 से कम कितने होगा, तो 6 को मैंने टुकड़े कर दिया, एक टुकड़े। और ये तो क्लियर है कि हमारा पिन कोड अल्फा तो होगा नहीं, न्यूमेरिक होगा। तो जो अल्फा रहा, जो भी वैल्यू आ रहा था 6 टुकड़े को, सबको 1 से गुना कर दिया। तो जो जो ए बी सी डी को 1 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, तो एरर आ जाएगा। और जहाँ पे वो टेक्स्ट, वो नंबर जो टेक्स्ट में है वो क्या जाएगा, नंबर हो जाएगा। तो ये बच गया इतने लास्ट के 5-6। अब वो 5-6 में से किसको उठाना है, नंबर को उठाना है, लेकिन 6 में से किसको उठाना है, 6 तो यहाँ तो 6 ने नंबर लास्ट वाला है ना 6, तो 6 में से किसको उठाना है, 6 हो। या फिर अब लेंथ कैसे नापेंगे, फिर तो एक तो और समस्या हो जाएगा एक, तो इसमें इफ लग जाएगा, ठीक है, इफ एरर जहां पे एरर है वहां वो कर दीजिए, जीरो कर दिया। अब ये ऐसे हो गया, अब क्या करोगे, अब लेंथ लगाइए, लेंथ लगाओगे, तो लेंथ लगाओगे तो क्या मालूम पड़ेगा, सबका लेंथ आ जाएगा। फिर ये कैसे करोगे, ब्लैंक, ठीक है, हमने मान लिया अब इसको 0 ही रहने दो। और इस वैल्यू इसमें अब क्या कर, अब क्या आना चाहिए बताओ, वो आना इतना आना चाहिए। इसमें अब क्या करोगे वो वैल्यू आए, अगर मैं ऐसे लिख दूं कहीं पे अब बोलूंगा कि उस वैल्यू निकालना तो क्या लग रहा है, उस अरे मैक्स नहीं लग रहा है, मैक्स यहाँ पे लिख दो मैक्स। ये तो चलिए पिन कोड है तो निकाल लें, कोई अलग नंबर है जैसे 60 डिजिट का है, 8 डिजिट
का कोई नंबर दिया है, पिन कोड के अलावा जैसे हमारा कोई इस तरह का टेक्स्ट है। समय एक कैसे आ रहा है यार, F9 किए थे ना, वो उसी जगह मैक्स ही रह गया। हाँ हाँ अब बोलो। हम कह रहे हैं कि जैसे ये है पिन कोड, अब इसके अलावा और भी कुछ लिखा हुआ है उसमें, नंबर दिया हुआ है जो 60 डिजिट का है, कितने का, जो 60 डिजिट का है वो कोई भी साठ नंबर, साठ या सात 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 सेवन, सेवन। हाँ 60 डिजिट है तो वो भी वैल्यू निकल के आएगी। हाँ तो फिर वहां पे आप 6 की जगह आप लिखोगे 7। मैं ये कह रहा हूँ उसमें हमें पिन कोड निकालना है, जैसे ये वैल्यू तो है ही हमारे पास, पिन हाँ कोड है, हाँ इसके अलावा और भी कुछ टेक्स्ट लिखा है और दिखा है मान लीजिए इतना रुपीस, ओके ओके जो 7 डिजिट है। अच्छा आप कह रहे हो हाँ ऐसे करके मान लीजिए कुछ लिखा हुआ है, नंबर है फोन जैसे हो नंबर है गया कोई भी, 437, ऐसे हो गया। हाँ ये अलग है। अभी अब वहां से ले लिया तो उसके लिए कुछ और लगाना पड़ेगा, फिर आपको पहले इस टाइप के नंबर को हटाना पड़ेगा उसमें से, तब बचेगा तब उस पर लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये तो क्यूरी तो अब उसी समय लगाना पड़ेगा कि डाटा कैसा आ रहा, बना हो तो इससे निकल लेगा। और अगर मान लो आपने कहा कि फोन नंबर, अगर इसके पहले PH लिख दिया तो हमें हटाना आसान हो जाएगा, अगर कुछ ना कुछ लिखा रहेगा तब, या फिर इसके पहले +91 लिखा हुआ है तो हमें हटाना आसान हो जाएगा ना, तो पहले उसको हटाएंगे तब इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो हो पाएगा, वरना होगा ना, वरना इसको ले लेगा फिर तो गलत ही हो जाएगा। अब जैसे ये है, अब देखो इसमें कह रहा है ना डाटा, ये कोड एडिशन वर्जन ग्रेड, अब कह रहा सम द एडिशन होयर ग्रेड इज ब्लैंक, मतलब इस सब में 40 है, इसमें एडिशन में उस एडिशन को सम करना है जिसके ग्रेड ब्लैंक हो, तो कैसे बनेगा ये। इफ ग्रेड ले लीजिए पूरा यहां से यहां तक इक्वल टू ब्लैंक इक्वल टू ब्लैंक कॉमा सम, अभी मत करो अभी होगा सम तो हो जाएगा गड़बड़, अगर ये ब्लैंक हो टू एडिशन में तो हमें ये नंबर आ जाए, एंटर। अब इसको देखोगे जहाँ एडिस जहाँ पे वो कुछ नंबर है ग्रेड है वहाँ पे फॉल्स आ गया, अब बाकी में ये है, और इससे पहले सम लगा दो और कंट्रोल सेट इंटर 92 है। अब यहाँ पे जाके वेरीफाई करते हैं कि सही है कि गलत है, हो गया, बस यही है एरे। अब ऐसे अगर सिंपल हम इफ से निकालना है तो सबका अलग अलग निकालेंगे फिर उसको सम करेंगे, तो फिर एक अलग कॉलम फिर लंबा बढ़ गया। अब मैं इसमें कह रहा हूँ काउंट द नंबर ऑफ ग्रेड व्हेयर ए और बी इज कमिंग, मतलब यहाँ ए भी है उसको काउंट करना काउंट करो इस इतने में, तो हम काउंटिफ जब लगाएंगे तो या तो ये लगाएंगे भी एक ही लगाएंगे, या फिर ये
काउंट एक लगा दो प्लस बी का, लेकिन अगर पाँच छः आ गया तो फिर हमें दिक्कत हो जाएगा। तो अब इस केस में हम करेंगे इफ यहाँ से इतना इजकल टू ए और बी में से कुछ भी हो, इफ अगर ये हो तो वन नहीं तो जीरो। आ गया, काउंट लगाओगे तो जीरो को भी काउंट करेगा, तब सम लगाओ, कंट्रोल शिफ्ट एंटर, 15 है जहां ए और बी मिलाकर 15 है। क्लियर। अब इसमें एक और है, व्हाट इज द फील्ड वैल्यू इन डी कॉलम, व्हाट इज द लास्ट फील्ड वैल्यू इन डी कॉलम, मतलब यहां से यहां तक में लास्ट फील्ड वैल्यू क्या है, और इसको हटाऊंगा तो डी, तो ये कैसे निकलेगा। यहां पे लिखेंगे इफ यहां से यहां तक नॉट इक्वल टू ब्लैंक तो डी के वैल्यू, तो फिर डी वन से लेकर डी 40, फिर तो ये इतना दिखा दिया, तो फिर एक अब एक 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 कैसे पता चला कि लास्ट कौन सा है। इसमें होगा जब ऐसे हो ना तो इसका हमें रो नंबर दे दे, सॉरी, जब इसका हो तो हमें रो नंबर दिया। अब इतना रो नंबर दे दिया, हमें कौन सा चाहिए, यहां से लगाओगे लार्ज, लार्ज नहीं मैक्स लगा दो, कौन सा है 35वां, और यहां पे लगाओगे इंडेक्स डी वन से लेकर डी 40 कुमार है। अब मैंने कुमार के आगे यहां पे लिख रहा हूं मोहन, देख रहे हो ये सारे कैलकुलेशन इतना आसान नहीं है, लेकिन हम तोड़ मरोड़ के, लेकिन आपको ऑन स्पॉट ये दिमाग में चलना चाहिए कि पहले ये करूँगा तो आएगा, ये करूँगा तो आएगा, ये करूँगा, इसमें फिक्स कुछ भी नहीं है, यहाँ पे फिक्स कुछ नहीं कि राइट ही लगेगा कि लेफ्ट लगेगा। तो ये सारे होमवर्क एक बार ट्राई करना, इसमें बहुत सारे होमवर्क है जो मैंने बना रखा हूँ, बहुत सारे होमवर्क है जो मैंने बना रखा हूँ। अच्छा पिछले वाले में एक आध दो था जिसको आपने कहा था कि ये एरर से होगा, यस बताता हूँ, एक तो ये भी था, ये वाला क्वेश्चन आपने स्टार्टिंग पूछा था, आपने पूछा था कि किसी ने पूछा था, अर्जेंट और क्या है अब्सेंट वाला, वो सब ज्यादा वो नहीं था एजीएम, अच्छा ये यही था, एक इस टाइप का क्वेश्चन है, इसको समझने की कोशिश करना। यहाँ है 1/5, 2/8, 4/17 है ना, इसमें एक कर रखा है कि
इससे स्लैश से पहले वाला का सम इस साइड है और स्लैश से बाद वाले का सम इस साइड, मतलब यहाँ पे हो जाएगा 7 और यहाँ पे हो जाएगा 17, 8, 25, 5। ऐसे आंसर चाहिए। इसको अगर लोगों ने बना तो कहोगे कि अरे के कुछ मैंने सीखा है। और ये नंबर बदल सकता है कहीं, जो हम कुछ चीज जो लुकअप से नहीं बनाते थे, जैसे यहाँ पे था ना दो है ना, ये जेम्स स्मिथ और जेम्स एंडरसन, तो लुकअप से आते थे, तो यहाँ पर आप लगा सकते हो मैच। मैच करना है इसको और इसको जोड़ के इसमें और इसमें कोमा 0 और कंट्रोल शिफ्ट इंटर, कौन सा आ रहा है 2 पर, और यहाँ पे लगा दोगे इंडेक्स आ रहा है, और यहाँ पे दिया क्लार्क। सॉरी यहाँ पे जेम्स था, कुछ आइडिया मिल रहा है अरे के करने से नहीं, ये इतना आसान नहीं है लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है। अच्छा इस फंक्शन में से जो इंफॉर्मेशन वगैरह तो पता था ना, ये इतना, अब इसको कैसे बनेगा, समझ रहे हो इसको? शक्ति जी जो हम कोड पढ़े थे सही पकड़े, एक और देखो इन्होंने पकड़ लिया, याद है ना मैंने बोला था ना इसका शुरू हुआ था ना कि इसका कुछ काम ही नहीं है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने में उसी का काम होगा। इसमें भी सबका टुकड़े टुकड़े करना होगा ना, लेकिन चूंकि 2 कैप्स है तो हम इसमें से फर्स्ट वाला को छोड़ देते हैं, ठीक है, पहले को छोड़ के तब चलेंगे। हाँ तो यहाँ पे करेंगे लाइन इतना, ओके लेन, और यहाँ पे नहीं लेन हो गया ना 11 माइनस 1 और राइट से A2 का निकाल लिया इतना, अब यहाँ पे निकालोगे लेन इसका 10 और यहाँ पे 1। ये चीज क्या कर रहा हूँ अभी, इसका तब रट्टा हो गया होगा, हमने क्या कर रहा हूँ ये चीज आपको याद हो गया होगा ना, आ गया, अब क्या लगाएंगे
सबमिट लगाएगा ई टू ऐसे आ गया। अब लगाओगे कोड नहीं करेक्टर नहीं, हाँ कोड आ गया। और कोड में जो हमारा एक है पैंसठ और जेड का है 90, मतलब इसमें हमें 91 से छोटा वाला चाहिए। और अभी ये वैल्यू आ रहा है यहाँ पे, तो अभी अभी छोटा कौन सा है 71 है, 90 से छोटा भाई, इस पे 90 से छोटा। अब ये किसी का पता लगेगा कौन है, तो यहाँ पे लिखोगे कि जो ये जो है ना ये लेस देन 91, तो आ गया ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स जहाँ पे है ट्रू, और फिर लगाओगे मैच ट्रू, फाइंड करोगे छठे पर क्या है पर है। अब इसमें छठा पर क्या है कैप्स वाला, तो यहां से शुरू करके अब यहां पे करूंगा रिप्लेस ई टू में छठा से जीरो जाके उसके बदले ब्लैंक ब्लैंक डाल दो। ये तो हो गया गलत, हमें चाहिए इसका ए टू का ए टू रहेगा, और जो आया है उसमें प्लस वन। और जो हमने ये निकाला है ये है E9, तो जहाँ जहाँ E9 है ये क्वेश्चन इतना आसान नहीं है। लिख लो जो भी लिखना है लिख लो, वो कर देगा। हमने ऐसे लगाया, आप कुछ और भी जोड़ तोड़ कर सकते हो, ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट यही हो। फरवीन के तो आया नहीं होगा, तो शक्ति के तो कुछ आइडिया मिल गया होगा। इसने प्रवीण हमने कौन सा कॉन्सेप्ट अपनाया कुछ नहीं समझ में आया। अरे वो तोड़ मरोड़ किया, देखो इसमें मैंने एक चीज किया है कि इसका राइट साइड से लेफ्ट साइड से एक छोड़ के बाकी हाँ उठा लिया है, क्योंकि पता है कि लेफ्ट साइड से एक उठाने के बाद उसमें एक ही कैप्स बचेगा। जो भी वो निकाला एक कैरेक्टर छोड़ को, सबको मैंने अलग अलग टुकड़े में निकाल लिया, उसके बाद मैंने कोड लगा दिया। तो हमें तो पता है कि कैप्स एक है
और ए का कोड है 65 और जेड के है 90 90। तो हमारा जो एक ही है, तो जो भी एक एक टुकड़े निकाला उसमें जब कोड लगाऊंगा तो वो 65 और 90 में से कोई एक ही होगा। फिर मैंने लगा दिया जो वैल्यू आया कोड उसमें लेस देन 91, मतलब यह पता कि इससे रहेगा कम ही रहेगा, तो जहाँ पे रहेगा उससे कम रहेगा वहाँ पर देगा ट्रू, बाकी देगा फॉल्स। अब ट्रू फॉल्स आ गया। फिर मैंने मैच लगा के पता लगा लिया कि कौन सा पोजीशन है, हाँ ये जो है ट्रू इसका उसमें कौन सा कौन सा पोजीशन। पोजीशन है। फिर जो निकला पोजीशन उसमें से +1 कर दिया। और हमारा रिप्लेस के एक फंक्शन है जो स्टार्टिंग पढ़े थे वो रिप्लेस करने का, वो हम निकाल दिए। बाकी अगर वो नंबर आ गया तो हम लेफ्ट राइट से भी निकाल सकते निकाल हैं, सकते हैं। वरना हाँ हमने यहाँ रिप्लेस लगा दिया तो आप लेफ्ट राइट से भी कर सकते हो। लेकिन एरे की खासियत है कि टफ से टफ कैलकुलेशन को वो रिजल्ट दे देगा, लेकिन आपको जोड़ तोड़ करना पड़ेगा। तो जब इसका जैसे छोटे छोटे होमवर्क करोगे तो अपने आप आएगा, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। इसमें एरे पढ़ने वाला मेरे यहाँ पढ़े या कहीं भी पढ़े, 50 में 100 में से दो चार ही सीख पाते हैं जो फैक्ट है, क्योंकि वो उतना प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं या ऑफिस उतना रिक्वायरमेंट नहीं होता तो भूल जाता है। लेकिन अगर एक बार कर लिया फिर भूलता नहीं है, और अगर इसको सॉल्व कर लिया तो बाकी तो अपने आप आसान हो जाएगा, क्योंकि इसमें कुछ फिक्स नहीं है आपको कब का ये क्या यूज करना है, इसमें कुछ भी फिक्स नहीं है। इसमें डुप्लीकेट काउंट किया हुआ है, इसमें यूनिक वैल्यू निकाला हुआ है। ये सारे होमवर्क का पाठ है, इसको पढ़ो एक 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 करके, आइडिया मिलेगा। आप जैसे यहाँ पर है हमारा ये संडे से साठ साठ सैटरडे तक है ना। अब इस सब में 7ों दिन में कितना करेक्टर यूज हुआ है, तो उसको निकालने के लिए आप लगाओगे ऐसे 50 करेक्टर यूज हुआ है 7 दिन में, मोस्टली 6 नहीं, ये 6 का ये 6 का ये 6 का ये ज्यादा, तो 7 7 9। अच्छा ठीक है 50 हो गए, लेकिन एक एक सेल में कैसे होगा। तो यहाँ पे लगाओगे लेन यहाँ से यहाँ तक का, और उससे पहले सम, एरर से तो निकल नहीं निकला है। बिना उसके तो एरर देगा, कंट्रोल शिफ्ट एंटर तो मारना पड़ेगा। अब इसमें बोला जाएगा कि डी कितने बार है, तो टफ पड़ जाएगा। फिर कैसे निकलेगा, फिर ऐसे निकलेगा सब्स्टिट्यूट इतने में
जो डी है उसको ब्लैंक कर दो और इसका निकालो लेंथ, और फिर लेंथ निकालो इस सब के साथ वाला, मैंने बिना डी इंक्लूडिंग डी, फिर ये माइनस ये है एम टू, नहीं हुआ तो छः को तो मैंने यहाँ पे ले लिया ना, ये लेन जो बता रहा छः, ये छः नहीं होगा ना, अगर इसको करता हूँ तो पाँच, इसको करता हूँ तो छः, नहीं ऐसे नहीं होगा, तो यहाँ पे होगा जो लेन निकाला इससे पहले निकालोगे सम, और इससे पहले सम, मैंने एक को डी डाल दिया, एक्सेल में तो खोजते रह जाएगा कैसे होगा नहीं होगा। इस सब का टोटल कैरेक्टर निकाल लिया और डी हटा के निकाल लिया और दोनों को माइनस कर दिया, इस तरह से एक था उसमें भी लुकअप वाला में फाइल कहाँ सेव कर रहा है, आपके फोल्डर में सेव है ना यहाँ पे, भी लुकअप वाला में था ना क्वेश्चन, ये बना आपके कहा, अपने कहा बनाया था, अरे अच्छा ये था, ये था ये कैसे बनाया, ये नहीं बना ना है, यही तो उस दिन पूछा आपका ये कर उससे कर, इसमें कह रहा कि देखो पांच है यहाँ भी, यहाँ भी है दो बार है तीन बार है, तो पहला पांच है ए के सामने तो ए, और दूसरी बार है बी के सामने और फिर ई के सामने, तो ऐसे होना चाहिए, और अगर एक हटा दूंगा तो यहाँ से हट जाएगा, ठीक है, तो अब इसको कैसे आ रहा है, अगर एक होगा भी लुकअप तो फर्स्ट लेके छोड़ देगा, फिर कैसे बनेगा, तो हमने यहां पे लिखा इफ, अगर ये इतना लंबा, अगर ये इज इक्वल टू ये हो,
इसका रो नंबर दे दो। हमने इसने दिया रो नंबर 2 3 16, क्यों दिया है 2 3 16? क्योंकि दूसरे तीसरे और 16 में पोजीशन पर है। कर दिया। अब इसमें से लगा लो लार्ज पहला, लार्ज वन ऐसे लगाओ या कुछ और करो इसमें। तो हमने तो वहां से आ जाएगा लार्ज। अब लार्ज पहला दूसरा तीसरा, तो फर्स्ट वाला में तो पहला चाहिए ना, इसमें पहला, अगला वाला में दूसरा, उसके वाला में तीसरा, फिर चौथा पांचवा छठा। तो लार्ज थ्री नहीं दे के देता हूँ, यहाँ पे देता हूँ रो, और रो के बाद मैं यहाँ से यहाँ तक खींच दिया। अब ये हमारा दिया पहला, अगर कंट्रोल शिफ्ट एंटर किया तो लार्ज नहीं देगा, यहाँ पे लार्ज नहीं, लार्ज क्यों लगेगा, यहाँ स्मॉल लगेगा। और यहाँ पे इसको फ्रीज करूँगा, सारा तो दो ही आ गया। यहाँ पे हो गया काम खराब, यहाँ पे काम खराब हो गया कि यहाँ पे चाहिए पहला, यहाँ पे दूसरा, यहाँ पे तीसरा। तो यहाँ पे रो ने लेके यहाँ पे देता हूँ कॉलम, कॉलम लेता हूँ, कॉलम एक ही लेता हूँ बस। ये हो गया पहला, और जहाँ पे रहेगा इफ एरर, हो गया। अब यहाँ पे लगा लेंगे इंडेक्स B1 से V19 इफेरर वहाँ ने अब लगेगा वहाँ। चलो एक और इफेरर लग जाएगा अभी यहाँ पे। एक जगह मैंने दे दिया 7, वहां से हट गए, यहाँ पे आ गया 5 की जगह एक और दे दिया 7। देख रहे हम भी लुक
लुकअप इंडेक्स से भी इसको बना सकते हैं। ऑफसेट से कर तो कुछ हद तक अगर आप ऑफसेट से बनाते हो तो कुछ हद तक बनेगा कि कुछ और लगाना। ये हुआ क्लियर? प्रवीण के तो हुआ नहीं होगा। क्योंकि ये जो है ना, समझ ना, ये सब तब समझ में आएगा जब पीछे हमारा पूरा ठीक ठाक रहेगा, तब पूरा ठीक ठाक होना चाहिए। नहीं तो ये तो हवा में जाएगा, निकल तो हवा में निकल जाएगा। मतलब ये फॉर्मूला देखने से इतना बड़ा है, लेकिन ये चीज समझिए कि हम कर क्या रहे, कर क्या रहे, बस मेन वही है। वरना आप इस लेवल पर हो कि एक्सेल में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा अब जो आप नहीं बना पाओगे। अभी पुराने पर ही बस टफ से टफ आ जाएगा, आप सॉल्व कर दोगे। ये मत घबराओ कि कितना बड़ा होगा नहीं होगा, सब आसान है। सही तो है, लेकिन आप कितना करोगे ये भी सही होना चाहिए। एक भी लुकअप लिस्ट, एक ना एरे वाला जो फाइल था ना अभी, इसको ना एक बार एक एक करके देखिएगा, इसमें बहुत सारे चीज है। एक एक कुछ होमवर्क है, कुछ बनाइए, कुछ समझिए, अगर नए है तो पूछो, लेकिन हमसे तभी पूछ पाओगे जब इस पर कुछ करोगे। अगर लेके सीधे इस बार गए, अगली बार ये खाली हाथ आ जाओगे तो फिर कुछ नहीं होगा। क्योंकि एरे अगर सॉल्व किया ना तो आपका बहुत सारे समस्या सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि इसमें सोचने की शक्ति बहुत ज़्यादा है।